तो आज हम बनाएंगे स्प्रिंग ओनियन एग भुजिया, जो कि खाने में टेस्टी लगता है। और अभी विंटर का सीजन भी चल रहा है, स्प्रिंग ओनियन मार्केट में भरा पड़ा है। तो चलिए, ऐसे नॉर्मली तो घर पे वो प्याज रहता है उससे तो बनाते ही हैं, पर आज हम हरे प्याज से बनाएंगे, ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हमने स्प्रिंग ओनियन ले लिया है, तो क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, इसके बाद बारीक बारीक कट कर लेना है। आप चाहे तो चॉपर से कट कर सकते हैं, नहीं तो एकदम बारीक हो जाना चाहिए। और एक को हमने इस तरह से तोड़कर एक बाउल में निकाल लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने एक पैन ले लिया है और इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल, जीरा ऐड कर देंगे, जीरा को रोस्ट होते ही इसमें ऐड कर देंगे स्प्रिंग ओनियन, और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए इसे भूनेंगे। इतने में ही ये सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से हरे प्याज की एक भुजिया बनाएंगे ना, खाने में भी टेस्टी लगता है और मिनटों में बनकर भी तैयार हो जाता है। और अभी सीजन भी चल रहा है दोस्तों हरे प्याज का, तो बनाइए एक बार इस तरीके से, क्योंकि नॉर्मली घर पे जो प्याज रहता है उससे तो बनाते ही हैं, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए ये प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज टमाटर को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे, इसके बाद सारे बेसिक मसाले ऐड कर देंगे। तो चलिए पहले हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए 1 मिनट हो चुका है दोनों भूनते हुए, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि ये जो प्याज और टमाटर और जो मसाला है ना वो अच्छे से भून जाए, तो इसलिए 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनना है। तो चलिए हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। हम जब भी घर पे स्प्रिंग ओनियन की कोई भी रेसिपी बनाते हैं ना, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है दोस्तों, चाहे वो एक भुजिया हो या तो मतलब स्प्रिंग ओनियन की कोई भी रेसिपी हो। तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, तो आप हरी मिर्च की जगह पे लाल मिर्च का पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे डालकर हम अच्छे से भून लेंगे, इसके बाद हम ऐड कर देंगे एग। तो पहले हम इसे मसाले को अच्छे से भूनेंगे, ताकि ये जो प्याज है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे एग और इसे डालकर हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम कर देना, फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा ये चिपक जाता है ना, इसलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहना है मीडियम फ्लेम पे। तो आप इस तरीके से चलाते जाइएगा ना, ये ड्राई होते जाएगा और इस तरह से ये भुजिया बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे, कम से कम चलाना है 3 से 4 मिनट के लिए। और ये देखिए एकदम अलग अलग जैसा दिखने लगा है ना, तो हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो आप चाहे तो इस तरीके से भी, ये इस तरीके से जो बनकर तैयार हुआ है ना, आप यहाँ पे भी फ्लेम को बंद कर सकते हैं दोस्तों, पर हम इसे एकदम ड्राई करेंगे और एकदम अलग अलग दिखेगा ऐसा बनाएंगे। तो चलिए हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए और भूनेंगे, और इस तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। और ये देखिए हमारा ये भुजिया है ना वो अलग अलग दिखने लगा है ना, तो आपको जैसा पसंद है वैसा बनाइएगा दोस्तों। अगर आपको थोड़ा गीला पसंद है तो आप ऐसे ही रखिएगा, नहीं तो ड्राई रखना है तो ड्राई रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों आप इस तरीके से बनाएंगे तो। तो चलिए हम ऊपर से धनिया की पत्ती डाल देते हैं और इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा भुजिया कितना अलग अलग दिख रहा है ना, तो आप इस तरह से एक बार ये ड्राई भुजिया ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं, और ये देखिए, तो आप इसे रोटी पराठे चावल मतलब किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ खाने में टेस्टी लगता है और बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।